दिनारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हाथ भट्टी की 290 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने उपकरण किए जब्त हुआ। 5000 लीटर लाहन को किया नष्ट। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर जी एंड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मूले जी द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक जरिए मुख्य ब्यूरो मुझ थाना प्रभारी दिनारा उन्नी संतोष भार्गव को सूचना मिली कि ग्राम उटवाह के जंगल में नदी किनारे हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाई जा रही है। उक्त सूचना पर से वरिष्ठ अधिकारी गणों को अवगत कराकर उक्त सूचना पर श्रीमान SDOP महोदय अनुभाग करैरा श्री शिव नारायण मुकादी जी के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम उटवाह जंगल में नदी के पास तपिश दी गई तो मौके पर 290 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं शराब बनाने की दो भट्टी एवं अन्य उपकरण विधिवत जब्त किए गए तथा 25 ड्रम लाहन के भरे हुए कुल लाहन 5000 लीटर कुल 5,00,000 रुपए मौके पर नष्ट किया गया। कुल जब्त शुदा मशूका एवं नष्ट लाहन की कीमत 6,08,000 रुपए करीबन पाई गई। उक्त अज्ञात आरोपी गढ़ के विरुद्ध अपराध धारा 34(1), 34(2) अबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। दिनारा से रानू राजपूत की रिपोर्ट। कल दिनांक 22 को हमारे दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव जी को सूचना मिली कि पहले भी उठवाए में पुलिस द्वारा काफ़ी कार्रवाई की गई और फिर अभी जो त्यौहार आया है उसके मद्देनजर काफ़ी मात्रा में अभी शराब जैसी हाथी की बनाई जा रही है। इसको देखते हुए जब सूचना मुझे दी गई मेरे द्वारा डिवीजन के सारे अधिकारी और स्टाफ को बुलाया गया और इस अपने दिनारा थाने की पुलिस के साथ जाकर हमने दबिश दी तो हम तो करीब वहाँ पे 5000 लीटर लाहन और आपका 290 लीटर दारू मिली है। उसमें 34(1), 34(2) की कार्रवाई उसमें की गई है और करीब 5,00,000 का लाहन था और टोटल 6,00,000 से ऊपर का जो है टोटल मतलूका पाया गया जिसे पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की। हाँ, उसमें ड्रम जब्त किए हैं, भट्टी जब्त किए हैं, उनकी बड़ी बड़ी परातें जब्त किए, सारी जो अपना उपकरण है बनाने का वो जब्त किए गए। एक कौन लोग कर रहे थे सर ऐसा कुछ? ये वहीं के लोकल के है तो पूर्व में ये उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी सब चिन्हित हुई है? नहीं, अभी पकड़ के लायक कार्रवाई की है, जानकारी लग गई है, बस उनको फाइनल कर लेते हैं कौन कौन व्यक्ति।